अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। बिफारी फैमिली, आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? सब ठीक है आप सबकी? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो बिफारी की तरफ से पूरे पाकिस्तान को 6 सितंबर की योम दिफा की बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा जी, मैंने दो तीन चीज़ें आपसे शेयर करनी थी बिफारी के हवाले से, अच्छी अच्छी न्यूज़ हैं। एक तो ये है कि कल हमारी 5 सितंबर को बर्थडे थी बिफारियों की। बिफारियों 4 साल का हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज 5 तारीख को बिफारियों 5वें साल में दाखिल हो गया। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। 5 सितंबर 2017 से मलेशिया से ये स्टार्ट हुई थी कंपनी और अल्हम्दुलिल्लाह और चंद लोगों ने स्टार्ट की थी और आज उसके 1,60,000 के करीब मेंबर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह और दिन दुगनी रात चौगनी अल्लाह पाक इसको और तरक्की अता फरमाए। और हमारे सीईओ सैफ रहमान खान साहब को अल्लाह पाक सेहत और तंदुरुस्ती के साथ इसी तरीक़े से लोगों का भला करने की तौफीक अता फरमाए। तो दुआ करते रहा करें। अल्लाह पाक ने बहुत से लोगों को रिज़्क का ज़रिया बिफारियों को बनाया हुआ है। देने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन अल्लाह ने सबब के दर्जे में बिफारियों को बहुत सारे लोगों के घरों का चूल्हा जलता है। तो अपनी नमाज में और दुआओं में अपने मोहसिनों को भी याद करना चाहिए, जिस तरह हम अपने माँ बाप के लिए और नेक लोगों के लिए, घर वालों के लिए दुआ मांगते हैं, इस तरीके से बिफारियों के लिए और ख़ास तौर पर सैफ रहमान खान के लिए भी दुआ ज़रूर किया करें। अच्छा जी, कल अल्हम्दुलिल्लाह एक और भी काम हुआ है, जो हमारा जो प्रोमो था वो भी कंप्लीट हुआ है, जिसका डेट जो थी पहले हमें 20 अगस्त थी, फिर बारिशों वगैरह की वजह से और इस वजह से थोड़ा इसको लेट किया गया और रिक्वेस्ट की गई सीओ साहब को कि कुछ इसकी डेट बढ़ाई जाए, तो इसको 30 अगस्त तक कर दिया गया था। फिर 30 अगस्त के बाद फिर वही मुहर्रम और 30 अगस्त के अंदर अंदर जो मुहर्रम और छुट्टियां वगैरह आई थी, कुछ और बारिशें हो गई तो और रिक्वेस्ट की गई सैफ साहब को, तो उन्होंने इसको 5 तारीख तक कर दिया था, 5 सितंबर तक। तो कल उसकी लास्ट डेट थी। तो उसमें भी जिन लोगों ने जो जो अचीवमेंट कर लिए उनको बहुत बहुत मुबारक हो। और ये आपके लेवल्स वगैरह जो थे, जिन्होंने किसी ने बाइक जीती है, किसी ने कैश जीता है, किसी ने मोबाइल जीता है, किसी ने 125 और मुख्तलिफ जो है ना अचीवमेंट्स की, तो सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो इस बात बारे में। और इसके लिए भी इंशाल्लाह एक और चीज़ भी मैं बताता चलूँ कि इसका इवेंट इंशाल्लाह वैसे तो 15 तारीख तक होना था, ये इसमें 5 तारीख को होना था ये बिग इवेंट। सीओ साहब का इरादा था कि 5 सितंबर को लाहौर में किया जाए हमारी इसकी बिफारियों की सालगिरह के मौके पर, लेकिन चूंकि सबको पता है कोरोना की वजह से पंजाब गवर्नमेंट ने 15 तारीख तक सारी तकरीबात पे पाबंदी ला रखी है, तो 15 तारीख को पाबंदी हट जाएगी तो इंशाल्लाह ये जो है ना अक्टूबर में या सितंबर के एंड में मुतवक्का है ये इवेंट। और इंशाल्लाह बहुत बड़ा इवेंट होगा जिसमें ये भी प्राइज़ दिए जाएंगे, प्लस किसी ने बिफारियों सिल्वर का रैंक अचीव किया है तो उनको भी इनाम दिए जाएंगे, या बिफारियों कोऑर्डिनेटर का जिसने रैंक अचीव किया है उसको भी इनाम दिए जाएंगे, और ख़ास तौर पर जिन्होंने प्रोमो जीता था गाड़ी का, जो ड्रीम कार है वो 1 जनवरी से लेकर 31 जून तक जो था 21 लोगों जो विन कर चुके हैं पूरे पाकिस्तान से और पाकिस्तान से बाहर से भी 21 हमारे जो हैं मेंबर हैं जिन्होंने वो कार जीती है, जिसकी कीमत $25,000 यानी 37.5 लाख रुपए है, तो वो उनको दी जाएगी। ये सारा इवेंट होगा लाहौर में इंशाल्लाह, तो उसमें ये सारे इनामात और रैंक्स और ये सारी चीज़ें जिस जिस की जो अचीवमेंट है वो इंशाल्लाह दी जाएगी। उसकी अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है, तो वो इंशाल्लाह सितंबर के एंड में या अक्टूबर के स्टार्ट में इंशाल्लाह वो डेट वो भी इवेंट हो जाएगा।
अच्छा, एक दो और चीज़ें गुड न्यूज़ हैं हमारे लिए। 15 सितंबर को सीओ साहब सैफ रहमान खान साहब जा रहे हैं बहरीन। वो बहरीन में क्यों जा रहे हैं? उन्होंने वहाँ पे एक तो अपने ऑफिस रजिस्टर्ड हो गया, हमारे सारे पेपर वर्क कंप्लीट हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक और कंट्री हमें मिल गया है जहाँ हम अपना ऑफिस स्टार्ट करेंगे, और एक रेस्टोरेंट भी है बहुत बड़ा, वहाँ उन्होंने वो भी ओपन करना है, उसका भी इफ्तिताह करना है, और वो ऑफिस का भी इफ्तिताह करना है। बैंक अकाउंट्स वगैरह जो भी होते हैं, फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, दफ्तर वगैरह ऑफिस का सारा कुछ। तो एक और ये कंट्री इंशाल्लाह हमारा बढ़ जाएगा। पहले 14 कंट्रीज थे, तो ये 15वां कंट्री बहरीन हो जाएगा। उसके बाद उनका जाना है दुबई, तो दुबई में ये लोग पेपर वर्क भी करेंगे इंशाल्लाह, और उम्मीद है कि दुबई ऑफिस भी जल्द ही हो जाएगा। वहाँ पे एक मार्बल फैक्ट्री है जो कि रनिंग में है, तो वो भी एक फिजिकली बिजनेस हो जाएगा हमारा दुबई में, और दुबई ऑफिस का जो भी पेपर वर्क होगा तो वो भी कर लिया जाएगा इंशाल्लाह। तो ये दो तीन गुड न्यूज़ हैं इंशाल्लाह। तो ये वहाँ से फिर जब सीईओ साहब आएंगे, दुबई में भी हमारा ऑफिस खुल जाएगा और एक फिजिकली बिजनेस भी हो जाएगा। तो उसके बाद जब आएंगे तो इंशाल्लाह लाहौर में इवेंट होगा ये हमारा। और एक और चीज़ जो है, जो ये प्रोमो आज ख़त्म हुआ है, तो अगला प्रोमो उम्मीद है इंशाल्लाह अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए भी सब साथ दोस्त जो है ना, मेंबर्स जो है ना, जहनी तौर पे तैयार रहें कि हमने इंशाल्लाह उसमें भी इनामात जीतने हैं। बकौल सैफ रहमान खान साहब के कि आप जो है ना इनामात जीतते जीतते थक जाएंगे, और बिफार यू आपको इनामात देते देते नहीं थकेगी। तो एक्टिव रहें, काम करें इंशाल्लाह। नेटवर्किंग आपको पता है दुनिया का पावरफुल तरीन सिस्टम है। जितने पैसा और जितनी अर्निंग भी नेटवर्किंग में है, किसी भी काम में नहीं है। तो अगला प्रोमो भी आने वाला है, उसके लिए भी आप लोग तैयार रहें। और ये जो ड्रीम कार वाला है, ये तो आपको सबको मालूम है कि ये 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक है। तो इसमें भी कोशिश करें, इसके टर्म एंड कंडीशन में आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि भाई 5 लाख आपकी टोटल सेल होनी चाहिए 5 लाइनों में, और आपका कम से कम रैंक अरोरा होना चाहिए या उससे ऊपर होना चाहिए, और एक लेवल में कम से कम भी आपके $50,000 होने चाहिए। यानी कि फर्स्ट लेवल में भी $50,000, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, फिफ्थ में कम से कम 50 होने चाहिए। ये हो जाते हैं $2,50,000। बाकी जो भी है $2,50,000, वो किसी में भी ज़्यादा हो सकते हैं, किसी एक लेवल में या सब लेवल में, लेकिन कम से कम भी किसी भी लेवल का क्राइटेरिया 50,000 है। ये तो आप सब लोगों को पता होगा। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ जीतने की करें इंशाल्लाह। अच्छा, ये भी हो गया, और इंशाल्लाह अक्टूबर में आपका नया प्रोमो भी आ रहा है। तो इसके लिए गेट रेडी रहें इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा, और काम करें इंशाल्लाह, मज़ा आएगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। ये दो चार चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों से शेयर करनी थी, तो मैंने कहा मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर कर दूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।